नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। जनपद में पंचायतों में सरकारी धन का प्रयोग ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है, पर मिली भगत के चलते गांव का विकास कम हो रहा है और उसमें जो प्रधान चुने गए हैं उनका विकास ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला तब उजागर हुआ जब जिलाधिकारी सुखलाल भारती अलीगंज ब्लॉक के नदराला ग्राम पंचायत में जन चौपाल कार्यक्रम के तहत पहुंचे। जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों के सम्मुख जब सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तो ग्राम की महिलाओं ने प्रधान और सचिव पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और अधिकारियों को घेर लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने स्वयं निरीक्षण करने का जिम्मा उठाया। भौतिक निरीक्षण में गांव की सड़कों पर जलभराव मिला, पानी के नल खराब पाए गए, नाले के निर्माण में भी अनियमितता पाई गई। मौके पर ही सचिव और प्रधान को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं एक जिला स्तरीय कमेटी बनाकर 10 सालों में धन को किस उपयोग के लिए आहरित किया गया है इसकी जांच 7 दिनों में मांगी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की बात की गई है। यहाँ क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या नल सब खराब पड़े हैं और करीब 3-4 सालों में लैट्रिन कोई भी नहीं बनी है। गली कौन सी? और कोई गली नहीं है, गाँव में कोई भी विकास नहीं है। नलों का रिबोर हो गया ऐसा कागजों में लिखा हुआ है, आपके यहाँ कोई कंपनी रिबोर करने आई थी? हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं आई, कोई भी नहीं आया। कब से ठीक नहीं हुए नल? हमारे यहाँ कम से कम 3-4 साल हो गए। कितने नल हैं? चल भी रहे हैं तो लोगों ने गांव वाले वो ऐसे करके चल रहे हैं, अपने थोड़ा चंदा करके बना लेते हैं वो। हाँ, सही करा लिए नल। उस नदराला ग्राम पंचायत की जो कुछ वहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत की थी, उन्हीं की शिकायत के आधार पर हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र अपनी तरफ से लिखा था और उस समय तत्कालीन एआर कोऑपरेटिव ने जांच की थी और जांच में बहुत ज़्यादा वहाँ गड़बड़ मिला। उसी आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जिला डीपीआरओ कार्यालय में भेज दी थी, लेकिन उस समय के बाद डीपीआरओ तत्कालीन डीपीआरओ जो थे वो सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद जिला विकास अधिकारी पर डीपीआरओ का चार्ज था, अब वो ऐसे करके वो कार्रवाई टलती चली गई। यहाँ तक जो इंडिया मार्का नल हैं इनमें अधिकतर ग्राम मेरे क्षेत्र के ग्राम पंचायत जो प्रधान हैं उन्होंने फर्जी बिल लगाकर और पेमेंट कराए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी है कि 3-3, 4-4, 5-5 साल से नल खराब पड़े हुए। किसी गांव में आप जाइए, एक नदराला नहीं है, किसी ग्राम पंचायत में आप जाइए ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। अभी हाल में एक जानकारी मेरे संज्ञान में आई कि प्रधान को मालूम कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो पैसा इस तरीके से पंचायत से निकाला जा रहा है और जो गांव के अंदर पीडब्ल्यूडी की रोड है उसके दोनों तरफ एक एनजीओ द्वारा नाली कार्य निर्माण कार्य कराया जा रहा है और पता ये चला है कि 20-22 लाख रुपए जो मौजूदा प्रधान है इनने जो है उसी नाली के नाम से खाते से निकाले हैं। नहीं, वो जानकारी में तो ऐसा ही आया है कि चूंकि एनजीओ द्वारा काम कराया जा रहा है तो वो जो तथ्य हम सामने आएंगे, लेकिन पिछली ही जांच में प्रधान को कायदे में इस समय सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन जिला स्तर पर कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो जिन पंचायतों की शिकायत हुई है तो अधिकतर उनमें कोई न कोई कमी ऐसी छोड़ी गई कि जो माननीय उच्च न्यायालय से प्रधानों को राहत मिली हुई है, जबकि गड़बड़ घोटाला जो है बहुत बड़े स्तर पर इसी नदराला नहीं 20 ग्राम पंचायतों में है। किसी गांव में आप जाइए, शौचालयों की स्थिति यह है कि जिन्हें वास्तव में शौचालय मिलने चाहिए थे वो आज भी बेचारे या तो रोड के किनारे बैठ के शौच कर रहे हैं या खेत खलिहान में जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं,
विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन योजनाओं का, कन्या सुमंगला योजना का और आरोग्य मेले का भी घोषणा की है और बहुत जोर शोर से स्कीम चल रही हैं, बड़ी सफल स्कीम चल रही हैं, इसको लोगों का फायदा उठाना चाहिए। हमारे जनपद स्तर के सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया और लोगों से अपील करी कि इसमें अपनी योजनाओं का लाभ उठाएं, फार्म भरें या लाभ उठाएं और संबंधित अधिकारियों से अगर कोई कठिनाई है जाके मिले। चौपाल के बाद हम लोगों ने जब गाँव में कप्तान साहब के साथ पूरे गाँव का BDO साहब थे, CDO साहब सबके साथ हमने गाँव का भ्रमण किया तो कई गलियों में देखा हम लोग उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी उदासीनता बरती गई है, कामों में बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं इसके लिए एक पूरी कमेटी बना दे रहा हूँ, जिला स्तर के अधिकारियों को 3 स्तरीय कमेटी बना दे रहे हैं, वो पूरी इस गाँव की जांच करेंगे, कौन कौन से विकास काम हुए हैं, किसमें पैसा खर्च किया गया है और इतना पानी भरा हुआ है तो ये भी काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसलिए कि अब पूरा साल इस खत्म होने वाला है तो विकास कार्य जो करने चाहिए थे, प्रधान की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, तो इसके लिए मैं कमेटी गठित करके जाँच कराऊंगा और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि काम पहले पिछले वाले प्रधान ने भी कराए होंगे, तो जो भी इसके लिए दोषी होगा सबके कठोर से कठोर कार्रवाई की। आपको बता दें कि उपरोक्त ग्राम पंचायत नजराला अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य है, जिसमें विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग का मामला स्थानीय विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी महाराज के सामने उठाया है। ग्राम की प्रधान महिला है परंतु उनकी जगह संपूर्ण मामले में उनके पुत्र ने गड़बड़ी की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।